माता की, भारत माता की, शीतला मैया की, पीताम्बरा माई की, पतंगर वाली मैया की और भांडेर और आसपास के बहनों भाइयों की, मेरे भांजे और भांजियों की, मंच पर विराजमान आप सबके दिलों पर राज करने वाले। अजब वो भी कह रहे थे कि ग्वालियर चंबल संभाग ने 26 सीटें दिग्विजय सिंह और कमलनाथ आपको दी, क्या कह रहे हो सिंधिया जी, उनको नहीं दी, इधर देख के दी थी भैया। ऐसे हमारे हरदिल अजीज, हमारे नेता आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, जरा तालियां दोनों हाथों पर उठाकर ताली बजा के स्वागत कीजिए। मध्य प्रदेश सरकार के गृह मंत्री, अच्छा मैं तो कहता था जब बात होती थी, ये पहले दिन से कहते थे कि ये बेईमान सरकार को गिराना पड़ेगा। मैं कहता था बन गई तो चलने दो यार, जरा जनता को देखने दो। लेकिन पहले दिन से इनने कमर कसली की है तो इसको तो गिराना ही पड़ेगा, नहीं जनता बर्बाद हो जाएगी। और अब मध्य प्रदेश सरकार के गृह मंत्री यशस्वी नेता आदरणीय डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी, तालियां बजा के स्वागत कीजिए उनका। भांडेर की बेटी, भांडेर की बेटी और डबरा की बहू। लेकिन भांडेर वालों, मैं सचमुच में इस धरती को प्रणाम करता हूं, एक साधारण परिवार में जन्मी इमरती देवी बहुत अच्छा काम कर रही है मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री के नाते। बहन इमरती जी, हमारे वरिष्ठ नेता इस सरकार की जड़ें खोदने में बेईमानी के कारण, जिन्होंने रात और दिन एक कर दिया, और सहकारिता के नेता है पूरे मध्य प्रदेश के भाई अरविंद भदौरिया जी, हमारी बहन लोकप्रिय सांसद बहन संध्या राय जी, आदरणीय महेंद्र सिंह जी यादव, मैं माधव सिंह डांगी जी, हमारी बहन जिसने सरकार को गिराने के लिए अपने कैरियर को दांव पे लगा दिया, रक्षा सिरोनिया जी, घनश्याम पुरोनिया जी, हाय घनश्याम जी बैठे थे ना मेरे साथ, हमारे आसाराम अहिरवार जी, प्रदीप अग्रवाल जी, कहा घनश्याम चिंता मत करो यार, मामा तो है, कोई चिंता की बात नहीं, राधेलाल बघेल जी, कमलापत आर्य जी, राजेंद्र यादव जी। अब मैं माफी चाह रहा हूं, भरा पूरा मंच है जगदीश जी, अच्छा बुधेलिया जी का नाम लिया कि नहीं अध्यक्ष के, सारा मंच जो है बैठा हुआ है, और भांडेर की स्मृति सभा में उपस्थित मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मेरे भांजे भांजियों, दोनों हाथ जोड़ के शीश झुका के आपको प्रणाम करता हूं, आप सबको नमस्कार करता हूं। आदरणीय, ये बाद में आगे ज्ञापन दे देना यहां पर, ठीक है, तब तक बैठो। अब बोलो भारत माता की, ठीक है बेटा बात करेंगे। हमारे पूर्व विधायक आदरणीय आदरणीय मदन सिंह कुशवाहा जी, मेरे बहनों भाइयों बेटे बेटियों, अभी आदरणीय सिंधिया जी कह रहे थे 34 में से 26 सीट वो गद्दारी और धोखे की बात कर रहे थे। सबसे बड़ी गद्दारी की कांग्रेस ने, चेहरा दिखाया सिंधिया जी का, ये मुख्यमंत्री बनेंगे, जनता को रिझाया इनके नाम पे। भैया शादी किसी की तरी, दूल्हा किसी को घोषित किया, घोड़ी पे किसी और को बिठाया,
नाम की बजाई, मंगल गान किसी और के नाम के गाए, लेकिन जब घोड़ी बोली मंडप में तो दूल्हे ही बदल दिया, फेरे कोई और के साथ पाड़ दिए। अरे ईमानदारी से बताओ, उनको वोट दे देख के वोट दिया था क्या? जोर से बताओ, उनको देख के वोट दिया था क्या? पहला धोखा तो यही था, पेट में छुरा घोंपा। ग्वालियर चंबल संभाग की जनता मध्य प्रदेश की जनता के पीठ में और बना दिया दादा को। दादा मतलब नरोत्तम दादा नहीं, कमलदास दादा, नहीं तो गड़बड़ हो जाए। ये कह रहा मौला को दिखा के बूढ़े को ब्याह दिया। अब बताओ, उन्होंने तो कभी आके गांव गांव की गलियां देखी नहीं, खेत और खेत की पंडलियां देखी नहीं, कीचड़ नहीं देखी, धूल नहीं देखी, गरीबी नहीं देखी, बीमारी नहीं देखी। अरे वो तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाएंगे? और कभी खेतों में नहीं आया करे। आज मैंने अखबार में पढ़ा, कमलनाथ जी सोयाबीन के खेत में गए। धन्य रे कमलनाथ, 15 दिन तुम्हें सोयाबीन का, धान का और सरसों का खेत नहीं दिखा। जब कुर्सी नीचे से खिसक गई तो सोयाबीन का खेत याद आया। उस समय हम कहते थे फसल खराब हो रही, बाढ़ आई है, बरसात है, सूखा पाला, ओले ला इल्ली। हमने कहा कमलनाथ थोड़ा बहुत तो जनता के किसानों के खेत में निकल जाओ। हम नहीं निकलते, हम तो बैठ के मुआयना कर लेते हैं। अरे मैंने कहा जाके तो देखो हालत क्या है। तो ये कहते थे हम तो यहां बैठ के ही सब कर लेते हैं। हमने कहा तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नजर ना लगे, एक बार निकल तो जा भैया। निकले ही नहीं। और आज कल गद्दारी की, गद्दारी की जो बातें आता की नरोत्तम जी ने कही है, महाराज ने कही है, मैं उनको दोहराना नहीं चाहता, लेकिन आज हजारों जनता बैठी है। गद्दारी की कांग्रेस ने, कमलनाथ और दिग्विजय सिंह ने मध्य प्रदेश के विकास के साथ 2 पैसे का काम तुम भांडेर में नहीं करवा पाए। ये मेरे मंत्रिमंडल के सदस्य बैठे, नरोत्तम जी भी कमाए, अरविंद जी भी कमाए, पूरे दतिया जिले में 5,000 करोड़ के विकास के काम 13 साल में हमने करके दिखाए थे। बहनों और भाइयों, कोई इलाका नहीं छोड़ा भांडेर सहित जहां विकास के काम नहीं हुए। और ये हमारी बहन रक्षा, जब ये रक्षा खड़े होकर भांडेर की बात करती थी तो कमलनाथ कहते थे चलो 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 चलो, टाइम नहीं है, चलो चलो। सुन के कान पक गए तो अब रक्षा ने भी कह दिया चलो 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 चलो। तो सरकारी चली गई, विधायक के लिए टाइम नहीं। विधायकों का अपमान, केवल विधायकों का अपमान नहीं, बताओ जनता का अपमान है कि नहीं? अरे जोर से बताओ, बोल के जनता का अपमान है कि नहीं? भांडे की जनता का अपमान किया उद्योगपति आ जाए, बड़ा ठेकेदार आ जाए तो कमलनाथ जी कहते थे अंदर आ जाओ, दरवाजा बंद कर दो और सहयोगियों को बुलाओ, फिर बताओ कितने लाओगे। उनके लिए दिन दिन बन जाए। ये इमरती बहन कौन जी, बल्लभ भवन, इनने देखे 2 आदमी बैठे, बोले भैया जिनकी का पोस्ट है ये मुख्यमंत्री के कक्ष के बाहर बैठे, कौन से पद पे? कोई से पद में नहीं है। तो इनके विधायक साथ इनका कि ये दोनों बोले सवेरे बोरा लेके आते हैं, दिन भर भरते हैं और रात को सी के ले जाते हैं, यही पद है इनका। कमलनाथ तुम तो बोरा नाथ बन गए रे, जनता के लिए नहीं किया, पूरे प्रदेश को खा गए बैठे। अभी नदी नदी बचाओ की बात कर रहे थे नरोत्तम मिश्रा जी, ये पूरे प्रदेश को लूटने वाले कांग्रेस के लोग। मेरे बहनों और भाई, मेरी गरीब जनता बैठी, धनु कल्ला पन्नु मन्ना, बुद्धा अर्जुन, सीता कृष्णा, ये सारी बहनें बैठी है। मेरी बहनों, ये कांग्रेस और कमलनाथ थी, मैंने संबल योजना तुम्हारे लिए बनाई और ये तय किया अगर गरीब बहना मेरा बेटा बेटी को जन्म देगी तो जन्म देने के पहले 4,000 और जन्म देने के बाद 16,000 रुपया लड्डू खाने दिया जाएगा। इन बहनों ने क्या बिगाड़ा था कमलनाथ, तूने इनके मुंह से लड़ुआ के पैसा छीन लिए रे।
इसने बहनों के लड़ुआ के पैसे छीन लिए। आज मामा आया है तो खाली हाथ नहीं आया, कई बहनों के लिए लड़ुआ के पैसा लेके आया है। तुम्हारी जिंदगी बदलने हम आए बहनों। मेरे बेटा बेटियों, मैं पूछना चाहता हूं, बच्चों के लिए हमने तय किया था गरीब किसी भी जाति और समाज के हो, अगर उनके बच्चे अगर वो गरीब है और उनका एडमिशन मेडिकल कॉलेज में होता है, इंजीनियरिंग कॉलेज में होता है, आईआईटी आईआईएम में होता है और फीस 8 लाख रुपया साल होती है, गरीबों के बेटे नहीं चुका पाते। तो मैंने कहा था, हाँ मैंने 3 बच्चों की फीस इनके मम्मी पापा नहीं चुकाएंगे, इनका मामा शिवराज सिंह चौहान चुकाएगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार चुकाएगी। मेरे भांजे भांजियों, ये फीस के पैसे भरवाना बंद कर दिए कमलनाथ ने, बताओ ये गद्दारी है कि नहीं। अब मैं सबसे पूछ रहा हूं, जोर से बोल के बताओ, मेरा गला खराब है, बोलो गद्दारी है कि नहीं। ये गद्दारी है। मेरे बच्चों को हम लैपटॉप देते थे, कभी नरेंद्र जी बांटते थे, कभी अरविंद जी बांटते थे, अच्छे नंबर लाओ लैपटॉप ले जाओ, बच्चों के लैपटॉप भी छीन लिए कमलनाथ तुमने, बोलो ये गद्दारी है कि नहीं। बेटियों की साइकिल छीन लिए गद्दारी है कि नहीं। अरे हम एक्सीडेंट में मौत हो जाए तो 4 लाख देते थे, सामान्य मौत पर 2 लाख देते थे और अंतिम संस्कार के लिए गरीब को 5000 रुपया भेजते थे। कमलनाथ दिग्विजय सिंह, तुमने तो गरीबों के कफन के भी 5000 खा गए, 5000। बोलो ये गद्दारी है कि नहीं। पूरे मध्य प्रदेश में जितनी जन कल्याणकारी योजना चलाई सारी बंद कर दी। ए मेरे बहनों और भाइयों, बुजुर्गों को हम तीर्थ यात्रा करवाते थे, इन्हें तीर्थ यात्रा छीन ली। तुमसे बूढ़ों बुजुर्गों से तुमको क्या तकलीफ थी? जितनी जन कल्याण योजनाएं थी, जन कल्याणकारी योजनाएं थी, एक एक करके इस कमलनाथ ने सब बंद कर दे और आज शिवराज सिंह चौहान आया है तो खाली हाथ नहीं आया। आप भांडेर के बहनों और भाइयों को अलग अलग योजना में 13,000 भाई बहनों को लाभ दिलवाने आया है, आपकी जिंदगी बदलने आया है। वो सारी योजना हमने फिर से चालू कर दी। हम जनता के लिए राजनीति करते हैं मेरे बहनों और भाइयों। जब जनता ने कहा कि बिजली के बिल बहुत बड़े आ रहे हैं तो सुन लो मेरे बहनों और भाइयों, बिजली के सारे बड़े बिल इर्द गिर्द करके सरल समाधान योजना ला रहा हूं और बिजली के बिल खत्म कर दूंगा। अगले महीने 1 महीने का बिजली का बिल चुकाना पड़ेगा। और एक बात और सुन लो मेरे गरीब बहनों और भाइयों, हमने योजना बनाई थी कि जितने गरीब भाई बहन जगह जगह हम जाते थे, मिलते थे, हमसे कहते थे 1 रुपया किलो का गेहूं नहीं मिलता, उनके लिए मैंने योजना बनाई और योजना बना के हम उनके नाम जोड़ने वाले। कांग्रेस की सरकार आ गई, योजना ठंडे बस्ते में डल गई। आज सुनो भांडेर वालों, मध्य प्रदेश के गरीब बहनों और भाइयों, 16 तारीख के दिन को 12 बजे जितने गरीब मध्य प्रदेश के हैं जिनको 1 रुपया किलो गेहूं नहीं मिलता, उन सबको 1 रुपया किलो गेहूं देना शुरू कर दिया जाएगा, कोई गरीब शेष नहीं रहेगा। कलेक्टर
नहीं बनता, मुझे मुख्यमंत्री बनने का शौक नहीं था, लेकिन जब आपने कहा कि पूरे प्रदेश को बचाना है उसे आओ फिर से शिवराज, इसलिए मैं फिर से दोबारा आया। आपको विश्वास दिलाता हूं आपने अभी तो संग्राम नहीं रखा, अभी कहा 200 करोड़, अरे ये तो ट्रेलर है रे संग्राम, अभी फिल्म बाकी है। विकास के लिए पैसे की कमी नहीं आने देंगे, 3 साल में 15 महीने की कसर पूरी करके भांडे का शानदार विकास करके दिखाएंगे। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि ये सरकार बनी रहे, बोलो बनी रहना चाहिए कि नहीं हमारी सरकार, पीछे तक दाएं बाएं से बोलो, पहले भी बोलो, बनी रहनी चाहिए कि नहीं। तो आइए आज मेरे साथ संकल्प लीजिए, जब रक्षा जीतेगी तो भाजपा की सरकार रहेगी, शिवराज मुख्यमंत्री रहेगा, आदरणीय सिंधिया जी की, हमारी नरोत्तम जी की ये जोड़ी, अरविंद जी रिवंती जी, हमारी जोड़ी आपकी सेवा करती रहेगी। और ये आइए जाने के पहले संकल्प लीजिए कि रक्षा जी को पहले से भी ज्यादा वोटों से जिता के रिकॉर्ड बढ़ा, भांडेर से रक्षा जी को पहले से ज्यादा वोट दे के रिकॉर्ड तोड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देंगे। महाराज शिवराज और सब नेताओं को आशीर्वाद देंगे, बोले तैयार हो सब, तो अपनी जगह खड़े होके, अपनी अपनी जगह खड़े होके, दोनों हाथ ऊपर उठा के, दोनों मुट्ठी बांध के, भारत माता की जय बोल के रक्षा को और भारतीय जनता पार्टी को जिताने का संकल्प लें। उठाइए दोनों हाथ, बांधिए दोनों मुट्ठी और बोलिए भारत माता की, भारत माता की, रतनगढ़ वाली मैया की, शीतला माता की, पीताम्बरा माई की और भांडेर वालों की। आज अभी प्रतीकात्मक रूप से, आज प्रतीकात्मक रूप से उन योजनाओं को जिनका मैंने जिक्र किया है, कुछ लाभ हम हितग्राहियों को देंगे, उसके बाद प्रशासन उनको लाभ पहुंचाएगा। कोई भाई बहन चिंता ना करे, अभी अभी लाभ बांटने के बाद 5 लोग इस तरफ आ जाओ, 5 लोग आ जाओ इस तरफ, 5 5 इधर बुलवा लो, तब तक लाभ का वितरण शुरू करो। हमारे बीच में आए हैं तो उन हितग्राहियों को यहाँ आमंत्रित किया जाता है, जिनके नाम मैं ले रहा हूँ वे आएंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, माननीय सिंधिया जी, माननीय सुमन संध्या राय जी, माननीय इमरती देवी और अन्य अतिथियों के घर कमलों से वो इतलाब प्राप्त करेंगे। इस क्रम में सबसे पहले श्री राधे राधे स्व सहायता समूह को आजीविका मिशन के अंतर्गत 35 लाख रुपए की सहायता प्रदान की गई है। श्री राधे राधे स्व सहायता समूह को आजीविका मिशन के अंतर्गत 35 लाख रुपए की सहायता प्रदान की जा रही है। इसी क्रम में दूसरे क्रम पर श्री वैष्णो देवी स्व सहायता समूह आजीविका मिशन, इन्हें भी 20 लाख रुपए की सहायता प्रदान की जा रही है। कृपया तालियों से आप धन्यवाद प्रकट करें कि 20 लाख रुपए की सहायता श्री वैष्णो देवी स्व सहायता समूह आजीविका मिशन को और इसके साथ ही पूजा साहू भांडेर आयल मिल के लिए प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत 20 लाख रुपए इन्हें सहायता प्रदान की जा रही है। ये आगे बढ़ेंगे, तालियां बजाते रहिए भाई, इसमें उत्साहवर्धन भी होगा। और इसी प्रकार से श्री आकाश साहू भांडेर तेल मिल के लिए इन्हें 15 लाख रुपए की सहायता स्वीकृत की गई है। श्री आकाश साहू भांडेर तेल मिल के लिए 15 लाख रुपए। आप लोग भी जोरदार तालियों से पुनः इनका भी स्वागत करें, इन्हें भी धन्यवाद दें। और इसके साथ ही श्रीमती ममता धाकड़ के पति स्वर्गीय श्री जितेन सिंह करण से मृत्यु को प्राप्त हो गए थे, उन्हें 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता, जैसे अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने बताया था, 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता श्रीमती ममता धाकड़ को, लाखों की संख्या में हितग्राही हैं, लेकिन प्रतीकात्मक रूप से हमारे सभी सम्मानीय श्रद्धेय अतिथिगण की व्यस्तता को देखते हुए लाखों को इतना सीधा वितरित यहां नहीं किया जा सकता, उन्हें प्रशासन द्वारा उनके स्थान पर स्वीकृति पत्र दिए जा रहे हैं। इन 5ों को प्रतीकात्मक रूप से दिया गया, हम अपने बीच में पहुंचे माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, माननीय सिंधिया जी, माननीय सुमन राय जी, माननीय
श्रीमती इमरती देवी जी, माननीय श्री अरविंद भदौरिया जी,